आपका पहला सवाल है, विश्व का कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना? आपके विकल्प है ए चीन, बी रूस, सी इंग्लैंड, डी नेपाल। आपका सही विकल्प होगा डी नेपाल। आपका दूसरा सवाल है, किस जानवर के जीभ में कांटे होते हैं? आपके विकल्प है ए कंगारू के, बी जिराफ के, सी भालू के, डी हाथी के। आपका सही विकल्प होगा सी भालू के। आपका तीसरा सवाल है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपके विकल्प है ए 20 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही विकल्प होगा डी 25 वर्ष। आपका चौथा सवाल है, मच्छर को सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद होता है? आपके विकल्प है ए नीला रंग, बी पीला रंग, सी हरा रंग, डी बैंगनी रंग। आपका सही विकल्प होगा ए नीला रंग। आपका पांचवा सवाल है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? आपके विकल्प है ए बैंगन की, बी टमाटर की, सी पपीता की, डी पालक की। आपका सही विकल्प होगा सी पपीता की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका छठा सवाल है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके विकल्प है ए 1 सेकंड, बी 1.3 सेकंड, सी 2 सेकंड, डी 3 सेकंड। आपका सही विकल्प होगा बी 1.3 सेकंड। आपका सातवां सवाल है, ताजमहल को बनाने में कुल कितना समय लगा था? आपके विकल्प है ए 15 साल, बी 20 साल, सी 22 साल, डी 25 साल। आपका सही विकल्प होगा सी 22 साल। आपका आठवां सवाल है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? आपके विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका सही विकल्प होगा डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका नौवां सवाल है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? आपके विकल्प है ए हिटलर ने, बी जिन्ना ने, सी चचिल ने, डी माउंटबेटन ने। आपका सही विकल्प होगा सी चचिल ने। आपका दसवां सवाल है, मनुष्य के किडनी का वजन कितना होता है? आपके विकल्प है ए 100 ग्राम, बी 120 ग्राम, सी 170 ग्राम, डी 250 ग्राम। आपका सही विकल्प होगा सी 170 ग्राम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका 11 नंबर सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो बोल नहीं सकता है? आपके विकल्प है ए ऊंट, बी हाथी, सी भालू, डी जिराफ। आपका सही विकल्प होगा डी जिराफ। आपका 12 नंबर सवाल है, ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है?
आपके विकल्प है ए आगरा को, बी जोधपुर को, सी लखनऊ को, डी जयपुर को। आपका सही विकल्प होगा बी जोधपुर को। आपका 13 नंबर सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आपके विकल्प है ए जापान, बी ब्राजील, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही विकल्प होगा डी ऑस्ट्रेलिया। आपका 14 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके विकल्प है ए मंगल पांडे, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही विकल्प होगा सी सुभाष चंद्र बोस। आपका 15 नंबर सवाल है, एक दर्जन में कितने नंग होते हैं? आपके विकल्प है ए 10 नंग, बी 11 नंग, सी 12 नंग, डी 13 नंग। आपका सही विकल्प होगा सी 12 नंग।